ये वाला डी ऑप्शन सही है ना, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, ये कहता है सॉल्व करो, देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ये बेसिकली क्या है, ये कोलिजन का क्वेश्चन है। कहता है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक ब्लॉक है या मास का मूविंग विद स्पीड वी कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास एम व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन को समझना, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चन है, अगर ढंग से आप समझ जाते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं रिड्यूस हो जाते हैं फिजिक्स में। कभी कभी तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा यार, कभी कभी तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। अरे कह क्या रहा है भाई, कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन लेस होता है ना, कभी कभी सीधी सीधी बात को घुमा फिरा के कहना। जिस मूवी देख रहे हो ना थ्री इडियट, बुक मांगने आता है वो, ठीक है, प्रोफेसर उसको निकाल देता है तो बुक मांगने आता है, बुक का वो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन बताता है, ठीक है, और जो प्रोफेसर होता है उसका सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है, ठीक है भाई। जब ऐसा डेटा कभी सुने ही नहीं, किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के कह दोगे तो हो सकता नॉर्मल आदमी समझ नहीं पाए ना। ए फ्रिक्शन लेस सरफेस ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, चलो एक ब्लॉक है, मास एम है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अनदर ब्लॉक आप सेम मास है और वो ये सेम मास है लेकिन ये रेस्ट में था। इनिशियल आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव एट थीटा डिग्री टू द इनिशियल डायरेक्शन एंड स्पीड वी बाई थ्री, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक किधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है और कोलिजन इलास्टिकली है ऐसा बताया जा रहा है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव एट स्पीड आफ्टर फ्लिक्शन सरफेस इलास्टिक कोलिजन, चलो इलास्टिक कोलिजन। जब यहाँ कोलिजन हुआ, समझना, जब यहाँ कोलिजन हुआ ये दोनों ब्लॉक थे, अब इन दोनों ब्लॉक में जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद जो है, कोलिजन के बाद जो पहला वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, पहला वाला जो ब्लॉक है इनिशियल डायरेक्शन से, इनिशियल डायरेक्शन से वो थीटा डिग्री पे जाने लगा, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन से वी बाई थ्री पे जाने लगा, और दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ही है और ये थीटा डिग्री पर जाने लगा, क्लियर है। अब जो दूसरा वाला वो किधर जा रहा है, क्या आप बता सकते हो कि दूसरा वाला कॉमन सेंस से किधर जा रहा होगा, क्या दूसरा वाला ब्लॉक कभी इधर जा सकता है? मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पहला वाला इधर जा रहा है तो दूसरा वाला कभी इधर जा सकता है? इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, मोमेंटम नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा, तो दूसरा वाला जो ब्लॉक है, दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो क्या ये इधर ही, यहाँ से इधर ही कहीं जा रहा होगा, इधर या इधर इस रीजन में होगा, हमें नहीं पता है। अब जो हमें पता ही नहीं तो हम मान लेते हैं कि इधर ही कहीं जा रहा अल्फा डिग्री पर, ठीक है। अब उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है, वो इधर नहीं आ सकता। अब स्पीड निकालनी, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका है, कोलिजन इलास्टिकली है, एनर्जी कंजर्व करा दो। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हम कितनी बार और एनर्जी पावर में किए हैं और लॉज ऑफ मोशन में भी किए हैं। इस ये अल्फा डिग्री का रिजो अल्फा डिग्री पर है, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, थीटा डिग्री पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, ठीक है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करा दो और फिर सॉल्व कर लो, है ना। तो वो दैट प्रोसेस इज वेरी लेंदी यार। तो आसान तरीका है इसको करने का, सबसे आसान तरीका, कोलिजन इलास्टिकली है तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी चली गई जीरो, और एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम और बी स्क्वायर अपन नाइन, ठीक है, और प्लस हाफ, दोनों का मास सेम है, एम बी डैश जा रहा था, बी डैश स्क्वायर, एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा बी बाई थ्री। अब जो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे वो थोड़ा प्रोसेस उनका लंबा चला जाएगा और वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, तो हाफ ने हाफ को, एम ने एम को, ठीक है, तो वी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपन नाइन एंड दैट इज वी डैश स्क्वायर, मतलब वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो एट वी, मतलब एट का टू रूट टू और अपन थ्री, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन।
ठीक है, वी रूट टू वी बाई थ्री, ठीक है कोई, हाँ थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। इसी को मोमेंट तुम करके देखना।